सुनो, ध्यान दो। अभी तो एक और चीज है, इस प्लांट को ग्रो करने के लिए हम साथ साथ में क्या यूज करते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं। देयर आर सम बायोलॉजिकल, यू कैन मेंशन बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर, एंजाइम थोड़ी फर्टिलाइजर होता है यार। नहीं नहीं बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर मतलब हमने पढ़ा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर व्हाट, राइजोबियम वगैरह, बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर है ना, और केमिकल फर्टिलाइजर भी, राइट। तो नाउ सी, ध्यान देना, एग्रीकल्चर को मतलब तीन तरीके से हम कर सकते हैं जिसके द्वारा हम फूड प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, लेकिन तीनों के कुछ ड्रॉबैक भी और फायदे भी है। जैसे कि अगर हमने एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर कर दिया, हमने मतलब खाली केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड ये सब स्प्रे कर दिया, तो एक तरीके से प्लांट को हम आर्टिफिशियली ग्रो करवा रहे हैं, समझ में आ रहा है। एकदम केमिकल डाल डाल के हमने एकदम सारा फ्रेश एकदम बना दिया, पूरा का पूरा फ्रूट वेजिटेबल जो भी है, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन क्वालिटी क्या हो जाएगी। दैट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ व्हाट, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। मतलब प्रोडक्शन होगा, दैट इज गुड, मतलब हम जितना भी देखते प्रोडक्शन बड़ा है बिकॉज ऑफ दिस, परंतु क्वालिटी बहुत खराब है, टेस्टलेस फूड लगता है, उसमें कोई टेस्ट रहती है क्या, नहीं। तो क्वालिटी डिक्रीज बेस्ड ऑन द केमिकल फर्टिलाइजर एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स, बाय दिस इंक्रीज होता है प्रोडक्शन, लेकिन क्वालिटी क्या होती है, घट जाती। फिर लोगों ने बोला कि ये अगर प्रॉब्लम है तो आज तो सर ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग उतना तेजी से बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का दिक्कत क्या है, प्रोडक्शन बढ़ता है लेकिन इतना नहीं बढ़ता है, हाँ लेकिन क्वालिटी दुगनी होती है, वही प्रॉब्लम है। मतलब इसलिए वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के द्वारा जो जितने भी चीजें आती है महंगी होती है। आपको लगेगा सेम ही तो है, क्यों महंगा है, महंगा इसलिए कि प्रोडक्शन वो जो करता है फार्मर इन्वेस्ट क्या करता है, बहुत ज्यादा करता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, और उसके बदले में उतना ज्यादा उगता है क्या, दैट्स व्हाई। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है दैट इज केमिकल फ्री है, बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, बायो पेस्टिसाइड यूज करते हैं, समझ में आ रहा है। जैसे कि वैसे एस्ट्रोजन स्प्रे कर दिया, या फिर बायो पेस्टिसाइड मतलब फर्टिलाइजर मतलब राइजोबियम, समझ में आ रहा है, या फिर आपका जो ऑर्गेनिक मैन्यूअर रहता है ये सब डाल दिया, तो उससे प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ता है, क्वालिटी क्या होती है, अच्छी होती है। तो ये इसका है, परंतु यहाँ पे देखिए, अब इसका क्या कहे, इसका थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन एक जेनेटिकल इंजीनियरिंग क्रॉप जो बेस्ड एग्रीकल्चर है, इसमें इस चीज को डिस्कस नहीं किया, क्वालिटी या क्वांटिटी के ऊपर डिस्कस किया क्या, नहीं किया गया। वो सिर्फ इतना ही बोल रहे कि इसका फायदा क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर मतलब बीटी कॉटन को मतलब नॉर्मल कॉटन प्लांट को ग्रो करने के लिए पेस्टिसाइड स्प्रे करो, फर्टिलाइजर स्प्रे करो, तभी क्या होगा, अच्छे से ग्रो करेगा, उत्पादन बढ़ेगा। परंतु यहाँ पे बीटी कॉटन अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर हमने डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर किया था। डिजायर्ड मतलब कौन सा जीन यूज किया था, हमने बताओ, कराई जीन, क्या यूज किया था, कौन सा, बीटी कॉटन के लिए कौन सा कराई जीन, अगर कॉटन बॉल वार्म के लिए कौन सा जीन, कराए याद है आपको, फॉर दिस डिजायर्ड जीन इज ट्रांसफर्ड इन द प्लांट, एंड नाउ दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एज जीएमओ, क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या फिर जीएम, या फिर इनको क्या बोलते हैं, या फिर इनको टेलर मेड प्लांट, ये टर्म मिलेगी आपको पढ़ते समय, दिखाऊंगा आपको। टेलर मेड प्लांट क्यों बोलते हैं, सिंपल भाषा में ऐसे बोल सकते कि देखो आप जाते हो शॉपिंग मॉल के अंदर, राइट, वहां सीधा कपड़ा उठाते हो पहन के आ जाते हो, लेकिन आप टेलर के पास अपने हिसाब से, है ना, करते नहीं करते, अब वो जमाना गायब हो गया, अभी तो रेडीमेड का जमाना आएगा, लेकिन बचपन में कभी देखा होगा आपको, ऐसा घुमा घुमा के सब लेता ना माप आपका, कॉलर का माप लेगा, ये लेगा, एक हाथ कोई बड़े लोग ही उसके तरफ जाते हैं आजकल, क्योंकि वो ज्यादा महंगा, टेलर के पास ज्यादा महंगा होता है ना, लेकिन यहाँ सस्ते में मिल जाता है, तो पब्लिक नॉर्मल पब्लिक अवॉइड करती है, लेकिन टेलर मेड मतलब अपने हिसाब से बना सकते हैं, वहां जो मिला पाए, ऐसा होता ना जबरदस्ती, फिर वो क्या रहता है कि मतलब अच्छा नहीं है फिर भी अच्छा दिखना पड़ता है, फिट हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ संबंध है क्या, नहीं तो लगता है हाँ फिट हो रहा है ले लो, ऐसा होता नहीं होता है। तो दिस इज व्हाट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज टेलर मेड प्लांट। व्हाट इज टेलर मेड प्लांट, वही मतलब डिजायर्ड जीन डाल के बनना है ना हमने, दैट्स व्हाट टेलर, टेलर का मतलब उसी टेलर की बात कर रहे हैं जो कि अपने हिसाब से बना सकता है ऐसा। तो ये टेलर मेड प्लांट क्योंकि कोई अलग चीज नहीं है, आपको लगता है कुछ अलग होगा, ये बार बार आएगा, ये मिलेगा आपको टर्म टेलर मेड प्लांट रहते हैं। जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर फॉर दिस, अच्छा सेम आया ना, अच्छा ये हो गया लग रहा है।
तो इसके अंदर क्या होता है देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं अगर इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐसा जीन डालेंगे, जैसे इसका एग्जांपल है बीटी कॉटन, राइट, बीटी कॉटन, बीटी सोयाबीन, है ना। तो इसके अंदर हमने नॉर्मल प्लांट था तो इंसेक्ट आके खा रहा था, लेकिन हमने जीन डालने को तो इंसेक्ट खा पा रहा है क्या? नहीं, क्योंकि प्लांट क्या है, ट्रांसजेनिक प्लांट है, बोल सकते हैं। एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, यूज ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, तो एग्रीकल्चर के अंदर एप्लीकेशन क्या है ये भी देख लेते हैं। ये सवाल आता है बहुत बार, अलर्ट रहना। खासकर उन्होंने बनाया था गोल्डन राइस, क्या बनाया था? आपने कभी डाइजेशन के अंदर एक वर्ड बना था पढ़ा था, बायो फोर्टिफिकेशन, याद आ रहा है? बायो फोर्टिफिकेशन नया पैराग्राफ है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के अंदर एक पार्ट है बायो फोर्टिफिकेशन। कितने लोगों ने पढ़ा है? नहीं पता? हाँ, क्या क्या आज पेपर में पढ़ा आपने, आया था? अरे बायो फोर्टिफिकेशन मतलब सिंपल है, जैसे एग्जांपल ले देता हूँ कि मतलब कोई कंट्री है, कोई नेशन है, और उस नेशन के अंदर कोई पर्टिकुलर विटामिन, कोई मिनरल की डिफिशियंसी है। समझ में आ रहा है? याद रहा है? आपने कॉपी मारा, इसका मतलब आपने कॉपी किया है, जो हाँ बोले उन्होंने कॉपी किया है। मैं समझ गया, मैं समझ गया, उसको उसको तुरंत विजुलाइज हो रहा है कि मैंने क्या क्या लिखा है। हाँ ठीक है, छोड़ दो, इधर ध्यान दो। सुनो, कोई कंट्री है या फिर वाटर कोई राष्ट्र है, तो उसके उसके केस में क्या होता है, कई बार मिनरल विटामिन की कमी होती है, तो वो डिसीज बाहर आने लगते हैं। मतलब कि अगर ऐसे लगा कि पूरा सर्वे किया गया और उसके अंदर मिला कि मेंटल रिटार्डेशन के केसेस ज्यादा निकले। मजाक नहीं कर रहा हूँ, कई बार ऐसा होता नहीं होता है, तो मेंटल रिटार्डेशन के केसेस बहुत ज्यादा निकले, तो उस केस में हम क्लियरली बोल सकते हैं कंट्री में किस मिनरल की कमी है। मिनरल पूछ रहा हूँ, जिन लोगों ने मेरे साथ केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर किया वो लोग आंसर दें। मेंटल रिटार्डेशन, हाँ, आयोडीन, पता नहीं? बताया थायरोक्सिन, पता है थायरोक्सिन, ट्राई आयोडो थायरोनिन एंड टेट्रा आयोडो थायरोनिन, दिस बोथ हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ ऑन व्हाट? न्यूरॉन। ये सेंटेंस भूल गए होंगे आप, मेरे ख्याल से भूल गए होंगे ना, बहुत अच्छे इंसान हो। ठीक है, तो देखिए आयोडीन पता चल रहा है, तो आयोडीन की कमी है तो क्या कर सकते हैं, अनेक अनेक तरीके हैं। सुनो ध्यान दो, इधर इधर उधर मत देखो। तो देर आर टू वेज, आइदर उसको जो पूरी कंट्री खाते उस फूड के अंदर डालो, तो या फिर जैसे कि नमक के अंदर डाल के खिलाते हैं आयोडीन, पता है? तो ये भी एक प्रकार का क्या है, समझ में आ रहा है? अब सरकार ये तो नहीं कर सकती कि मतलब जाओ चलो रे, चलो सब लोग घर में आयोडीन खिलाओ, है ना, उसके लिए मैन पावर क्या लगेगी? तो खाली कंपनीज को पीछे लगो, कंपनी बोलो आयोडीन नहीं डालोगे तेरा नमक नहीं भेजेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक डालेगा या लेगा? तो आपको पता नहीं होगा, बहुत पुराने जमाने की बात है, आपके टाइम में इतना आयोडेज फेमस नहीं था, ये 2000 में, हाँ 1999 का आयोडेज है। हाँ, मुझे क्लियरली याद है, उस समय में टीवी पे आता था कि क्या आपके नमक में आयोडीन है, आपने उल्टा सुना होगा, क्या आपके टूथपेस्ट में आयोडीन नमक है ना, मैंने बोला क्या आपके नमक में आयोडीन है, आप वो गलत सुने हो, ठीक है, मैंने सही सुना है, ठीक है। तो ये टाटा नमक ना, हाँ, तो ये पुराने जमाने का एडवर्टाइज है, आप अभी बीच में प्रचलित हो गएंगे तो पता होगा, आप जरा डी फिर 4-5 साल में फिर से एक बार आया होगा, बट 1919 में, 1919 के आसपास के एडवर्टाइज बहुत प्रचलित थे, उस जमाने की बात कर रहा हूँ। मेरे तरफ ऐसे क्यों देखते हैं आप लोग तो है, तो उसमें क्या है, इधर ध्यान दीजिए। उसके बाद सुनो, तो हाँ इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि विटामिन ए की कमी थी, है ना, भारत के अंदर, तो भारत के जो वैज्ञानिक है या फिर जो पूरे राष्ट्र के जो वैज्ञानिक है, मतलब कंट्री, मतलब मैक्सिमम कंट्री के अंदर विटामिन ए की कमी थी, तो
तो उन्होंने क्या कर दिया, राइस को ही क्या बना दिया, विटामिन ए रिच बना दिया। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे देखो, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे लॉजिक है थोड़ा बहुत, आपको पता होगा तो दिमाग लगाना चाहिए। क्या क्या देखो उन्होंने, तो नॉर्मल राइस के अंदर बीटा कैरोटीन एब्सेंट रहता है। क्या एब्सेंट रहता है? हमने जीन डाला जो कि रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, तो बीटा कैरोटीन किसके अंदर मिलता है, कैरेट के अंदर मिलता है। आपको थोड़ा बहुत पता होगा लीवर के अंदर बीटा कैरोटीन का कन्वर्जन विटामिन ए में होता है। मतलब बुद्धि दिया है आपने, पता है आपको, एक बार पहला चैप्टर तो याद रखो एटलीस्ट, पता है आपको। तो ऐसा होता है, तो उन्होंने क्या कर दिया, मतलब राइस को कलर कैसा आएगा, ऑरेंज सा गोल्डन कलर आएगा ना, आएगा तो ये बिकॉज व्हाइट प्लस ऑरेंज मिक्स होकर थोड़ा सा क्या बन जाता है, गोल्डन। तो ये गोल्डन कलर आया और ये गोल्डन राइस कहलाता है, और बीटा कैरोटीन इसके अंदर प्रेजेंट था, और वो खाने के बाद हमें क्या मिला था। तो समझ में आए, बस इतना याद रखो, गोल्डन राइस इज रिच इन व्हाट, विटामिन ए। ये एक ट्रांसजेनिक राइस कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर बीटा कैरोटीन का जीन डाला था। बीटा कैरोटीन का हालांकि जिक्र एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, ना ही अगली लाइन बनने वाला, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन बता रहा हूँ कि गोल्डन राइस के अंदर हमने जीन डाले थे, एक डेफोडिल नाम का प्लांट था। कौन सा सर, इसके ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। और दूसरा क्या है, इरवानिया बैक्टीरिया, ठीक है, इरविनिया नाम का बैक्टीरिया था, उससे कुछ जीन लिए थे, डेफोडिल प्लांट से कुछ जीन लिए थे जो कि रिस्पॉन्सिबल है बीटा कैरोटीन बनाने के लिए। दोनों को कॉम्बिनेशन करके फिर ये राइस के अंदर डाले थे, और वो राइस गोल्डन राइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, गोल्डन राइस इज रिच इन, बस इतना याद रखना। आएगा तो ये आएगा, मैच द फॉलोइंग में आता क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग में आएगा, नहीं तो ये मैच द फॉलोइंग में आएगा, इसका जिक्र वहीं पे कर सकते हो, और एट मैक्स बायो फोर्टिफिकेशन के नाम पे चिपका सकते हैं इसको, अगर पेपर निकालने वाला थोड़ा इंटेलिजेंस होगा तो, अगर वो दो दो चैप्टर पढ़ाता होगा तो, नहीं तो अगर सिर्फ बॉटनी पढ़ाता तो नहीं डालेगा पक्का, ऐसे डिपेंड करता है बनाने के ऊपर। हाँ, एक और चीज मैंने बताया था आपको, जैसे हम दुख जता रहे थे कि आज जो टमाटो खाते हो, टमाटो कैसे लगते हैं, मोटे मोटे निकलते हैं, कट कर से कट भी नहीं होते हैं। पुराने जमाने में कट करना मतलब वो ऐसा सब बिखर जाता था, तो लोग सीधा फोड़ के डाल देते, धाड़ करके। हाँ, there is no concept of tomato cutting in early days. ऐसा पूरा निचोड़ दो, डाल दो सब्जी में, हो जाएगा, पक जाएगा। अभी वो कटिंग का कंसेप्ट है, मजाक नहीं कर रहा आपको। गाँव में आपको पूछ सकते हो, मतलब आपकी दादी दादी वगैरह पूछ सकते हो कि आप टमाटो नहीं बोलोगे, ऐसा सीधा फेंक दो सब्जी में, पिघल जाता था पूरा का पूरा, ऐसे टमाटो थे। आजकल वो पिघलता ही नहीं है, ठीक है, बहुत डेंजरस रहते। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, या फिर जल्दी खराब भी नहीं होते। देखा आपने, लास्ट तक कट करो, कट करने के बाद रस ही नहीं निकलता है। पुराने जमाने के टमाटर में रस निकलता था, अभी सब खराब चीज खाते हो आप, अब क्या कर सकते हैं। अभी हमारा जमाना अलग था, आपका अलग था, ठीक है, दौर अलग था। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, एक नई वैरायटी क्रिएट की, दैट इज कॉल्ड एज फ्लेवर सेवर टोमेटो, ठीक है। मैं उस दिन बता रहा था आपको, डायरेक्ट इसकी तरफ आता, देखो तो हाँ, यहाँ पे देखिए क्या होता है। अब दो सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये प्लांट सेल्स, राइट। तो प्लांट सेल के अंदर ये जोड़ने के लिए कौन होता है, दो प्लांट सेल को जोड़ने के लिए कौन होता है, कैल्शियम पेक्टेट होता है, राइट। तो कैल्शियम पेक्टेट दोनों को जोड़ के रखता है। आपको क्या लगता है कि मतलब राइपनिंग होते समय क्या होता होगा, यदि लूज होता होगा, लूज ऐसे नहीं होता, कोई ना कोई एंजाइम आके गिरना चाहिए। तो एंजाइम कौन सा, तो पॉलीगैलेक्टो यूरिनेज, क्या नाम है उसका, पॉलीगैलेक्टो यूरिनेज। एंजाइम गिरता था तुरंत, मतलब जब राइपनिंग होती है ना, तो ये गिरे और ये आएगा और ये क्या करेगा, लूज करेगा, बोथ द सेल बिकम लूज, और वो जो फ्रूट है वो राइप हो गया, हम ऐसा बोल सकते हैं। परंतु उन्होंने क्या क्या, देखो अभी मतलब साइंटिस्ट लोग मतलब किस हद तक जा सकते हैं, यहाँ पे देखो, इधर ध्यान दीजिए क्या क्या उन्होंने, सुनो यहाँ पे आपको बताता हूँ, सुनो वही आपको ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं अगर शुरुआत में था तो समझ में नहीं आता था, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। और हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन पुराने जमाने में आपको क्वेश्चन भी लगे, प्रीवियस ईयर में, इसलिए बता रहा हूँ, एक हद बार रिपीट हो सकता है, क्योंकि मन किया था कि प्रीवियस ईयर का रेफरेंस लेते हुए। यहाँ पे देखो, जो वो जो एंजाइम है पीजी एंजाइम, उस एंजाइम के एक जीन नहीं होते हैं, अनेक जीन होते हैं। पहले राष्ट्रगीत कर लेते ना।
सुनो ध्यान दो। हाँ तो जो वो जो एंजाइम है उसका नाम क्या था? पीजी नहीं रहे, वो एग्जाम सॉरी वो एंजाइम था राइट। हाँ ठीक है ठीक है। तो जो एंजाइम था मैंने बोला कि उसके एक जीन नहीं अनेक जीन होते हैं, अच्छी बात है, और तभी ये हिम्मत कर पाए। अगर एक ही जीन होता तो थप्पड़ खाते पब्लिक का, ठीक है। तो अभी इसका रीजन बताओ, सुनो ध्यान दो। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने दिमाग लगाया, ये जो जीन वही सेम मेथड है, ये जीन है इसका, ये एंटी सेंस से बनेगा नहीं बनेगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, प्लांट के अंदर उसको पलटी मार दिया, बाहर निकाल के पलटी मार दिया ना, टर्मिनेटर अलग प्रमोटर, समझ में आ रहा ऐसा तो। और उसको लेके बिठा दिया इसके अंदर, किसके अंदर, प्लांट के अंदर। कौन से प्लांट के अंदर? हाँ तो देखो ये बनाएगा साइंस से क्या बनाएगा, आरएनए, और ये किससे बना रहे थे, बात समझ में आ रही है, बना रहे थे ना। कौन सा वाला? अच्छा, ओके ओके, ये समझ में आया। समझ गया मैं क्या। अच्छा इसका जो सेंस था ना, अब वो क्या बन गया, अब तो क्लियर है इस तरीके से। मैं बोला इस कैसे हो गया, तो ये बना दिया उसने, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, डबल स्ट्रैंड क्या बनेगा, तो ये प्रोटीन बनेगा। इस प्रोटीन से क्या बन रहा था, एंजाइम, कौन सा एंजाइम, तो टोमेटो राइपन होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन मैंने बोला अगर एक की जीन होता है इसका तो क्या होता, राइपनिंग कभी नहीं होती, और टोमेटो कभी बिकते क्या, हरे के टोमेटो हमें हरे, तो समझ में आ रहा है। इसलिए यहाँ पे देखो ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा जीन है ना, तो एक दो जीन को ही क्या करते, सप्रेस करते, बाकी जीन को सप्रेस करते हैं क्या, अगर और एक्स्ट्रा डाल दिए तो क्या हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, सप्रेस हो जाएंगे। तो टोमेटो राइप होगा लेकिन जल्दी होगा, स्लो होगा, दैट्स ऑल, क्लियर है। हालांकि इसका कुछ संबंध नहीं है, बस प्रीवियस ईयर में सिर्फ पूछेगा, आपको एग्जाम्पल मिलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे पूछेगा कि ट्रांसजेनिक टोमेटो का एग्जाम्पल कौन सा है, तो कौन सा है, ये किसके लिए काम में आता है, रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ शब्द दिए हैं, जैसे कि ये दिया है एनहांसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू इन द व्हाट, फूड, उसका एग्जाम्पल कौन सा है, गोल्डन राइस। और ये किसके लिए किया, टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। व्हाट एग्जैक्टली पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, टोमेटो को काटने निकालने के बाद है ना, हार्वेस्टिंग करने के बाद लॉस क्या होता है, ज्यादा होता है ना, किसान के बेटे उनको पता होगा, अगर मार्केट में जल्दी बिका नहीं तो क्या होता है, लॉस हो जाएगा। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, अगर ऐसे टोमेटो मिले है ना जो कि क्या हो सकते हैं, मतलब लंबे समय तक टिकते हैं, तो जिस दिन भाव आया उस दिन बेच दो, नहीं आ रहा तब तक रखे रखो, तो लॉस हो रहा है क्या। हाँ दिस वाज द थिंग, ये चीज पता होना चाहिए, कितने लोग समझे, तो जो हमारे व्यापारी है उनको समझ में आया होगा। हाँ तो दूसरा तीसरा, इंक्रीज द टॉलरेंस अगेंस्ट व्हाट। अभी ये आप पश्चिम महाराष्ट्र वालों को समझ में नहीं आएगा, जो उस प्रांत के है उस इलाके के उनको जल्दी समझ में आएगा, जहां पे बारिश बहुत क्या होती है, कम होती है। तो जैसे कभी कई कभार क्या होता है, देखो पागल तो देखिए कड़ाके की ठंडी गिरती है तो पेड़ पौधे क्या होते, मतलब खराब होते ना, सूखा गिरता है, या फिर सॉइल बहुत साल्टी होती है, बहुत गर्मी होती है ना, उस केस में प्लांट को टोल्डेंट बनाया जाता है। लेकिन प्लांट को टोल्डेंट कैसे बना सकते हैं, बाय एडिंग व्हाट, जीन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, कि मान लो एक नॉर्मल प्लांट है और यहाँ पे साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो ठीक से उग पाएगा क्या, हमने ऐसे जीन डाले ताकि वो साल्ट को क्या कर सके, सह सके, तो वो क्या हो जाएगा, प्लांट जिएगा और प्रोडक्टिविटी क्या होगी, समझ में नहीं आ रहा है। तो दैट अबायोटिक ट्रेसेस को झेलने वाले भी प्लांट बना सकते हैं, गर्मी हो ड्राउट हो ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं, मतलब या फिर उनका क्यूटिकल क्या बना सकते, थिक बना सकते हैं, तो ड्राउट को झेल सकता है, नहीं झेल सकता है, बाय प्रिवेंटिंग द वाटर लॉस, इस तरीके से, ये क्लियर है। तीसरा चौथा चीज समझ सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अब आपको पता नहीं होगा, लीच पता है, कितने लोग जानते हैं, लीच पता है नहीं पता है। हाँ देखिए लीच क्या होता है,
लिच यहाँ जुड़ जुड़ गया ना, तो जुड़ने के बाद क्या होता है, खून लेता है। कितने लोग जानते हैं, हाथ तो खड़ा करो, पता चले, पता है आपको, ब्लैक कलर का होता है। तो वो खून तो हमारा बाहर आ रहा है, राइट। खून अगर हमारा बाहर आ रहा है तो खून क्या होना चाहिए, कोएगुलेट होना चाहिए। लेकिन खून कोएगुलेट होता है क्या, क्योंकि लीच अपने बॉडी से एंटी कोएगुलेंट रिलीज करता है और उसका नाम है हिरुडीन। क्या है, समझ में आ रहा है, आपने हिपेरिन सुना होगा। हाँ यही बताया था। ओके, तो इसका मेडिसिनल यूजेस बहुत सारा हो सकता है। किसका, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यार ये कहाँ मिलता है, लीच के बॉडी के अंदर। तो वहां से जीन उठा दो और किसके अंदर डालो, प्लांट के अंदर। तो प्लांट क्या प्रोड्यूस करेगा, पहले हीरोडिन प्रोड्यूस कर रहा था क्या, सीड्स के अंदर। तो जो उससे जो सीड कलेक्ट करेंगे उसको क्रश करने के बाद उससे क्या मिलेगा, समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है। इस तरीके से हीरोडिन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये नेचर के खिलाफ है, इसके दुष्परिणाम आपको बाद में भुगतने पड़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा है सर, लेकिन ऐसा नहीं। तो ये यहाँ पे क्या बोला है, प्रोड्यूस बायो फार्मास्यूटिकल, समझ में है, एनसीटी के पॉइंट से, बस उसने पॉइंट दिए, एक एक पॉइंट कवर कर रहे हैं हम। उसके बाद ये देख सकते हो, हाँ ये प्लांट कौन सा यूज किया था, तो ब्रासिका नेफस। सर याद रखना है, बिल्कुल याद नहीं रखना है, बस ये पॉइंट याद रखो, ये वाले हाईलाइटिंग पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ, इनसाइट ने कैसे दिया। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग बहुत धोखा खाते हैं कि टू प्रोड्यूस द वेडिसाइट एंड हर्बिसाइट रेजिस्टेंट प्लांट। इसमें लोगों को समझ में नहीं आता एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है। देखो क्या होता है, इसको ऐसे समझो, अब देखिए आप स्प्रे कर रहे हो, अब इसमें देखो ऐसा हो सकता है, मतलब समझाना पड़ेगा एक तरीके से काम करते रहो। अरे यार अब देखिए हुआ ऐसा, इमेजिन कीजिए, ये डाइकॉट प्लांट की खेती कर रहे हैं, कोई भी डाइकॉट प्लांट, ठीक है, डाइकॉट प्लांट की खेती कर रहे हैं, और मैं तो एक काम कर लेते, रुको थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ। टेल मी, टू फोर डी है ना, 2.4D वीडिसाइट किसको किल करता है, डाइकॉट मोनो, पहले क्लियर करता हूँ फिर उसके बाद बताऊंगा तो आसान रहेगा। इसको किल करता, नहीं करता है, डाइकॉट प्लांट को किल करता है या फिर डाइकॉट वीड को किल करता है, बताए। अब दिक्कत क्या है, आपका जो खेत है उसके अंदर डाइकॉट प्लांट ही है, समझ में आ रहा है, डाइकॉट प्लांट है, मोनोकॉट नहीं, मैंने क्या बोला, डाइकॉट। तो डाइकॉट प्लांट है ऐसा, एंड अब दिक्कत क्या है, उसके अंदर जो वीड आ रहा है, वीड कैसे आ रहा है, डाइकॉट ही आ रहा है ना। लो भाई सर अभी कैसे करेंगे, इसके लिए तो वीडिसाइड स्प्रे करने पड़ेगा, नहीं करने पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, 2,4-D किसको मारता है, तो ये तो मर जाएगा साथ साथ में, ये वाला प्लांट मर जाएगा। अब मैं जो बोल रहा हूँ कुछ लोग समझ जाएंगे कि सर क्या किया, क्या करेंगे, इसके अंदर ऐसा जीन डालेंगे जिसको टॉलरेट कर सके, क्रिएटिविटी यहाँ स्कोप है, ठीक है, और कहीं नहीं है, ठीक है, समझे नहीं समझे। वो जीन डाल सकते ना, डाल दो तो अल्टीमेटली अब 2,4-D स्प्रे करो तो क्या हो जाएगा, ये सब मर जाएंगे, ये मरेगा क्या, नहीं मरेगा, इसका दुष्परिणाम क्या होगा आपको ही बताना है। खाने में जाएगा, और अगले साल जो वहां पे दूसरा नॉन ट्रांसजेनिक प्लांट उगाएंगे जो डाइकॉट है, वो क्या हो जाएगा, ठीक से उगेगा, उसका उत्पादन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और अभी घटना चालू हो चुका है, अभी घटना चालू हो चुका है, और अभी उसके दुष्परिणाम कुछ साल के बाद दिखेंगे आपको, अभी तुरंत नहीं, 10-12 साल रुको, आपका सारा खेती का प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फिर नया ट्रांसजेनिक प्लांट बनाएंगे तो टू टॉलरेट दैट वीडिसाइट विच इज प्रेजेंट इन व्हाट सॉइल, और फिर पूरे सब जगत का हेल्थ क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आप भाग्यशाली हो, आप बाउंड्री पे हो, समझे नहीं समझे, आपके आने वाली जनरेशन तो बहुत भुगतने वाली है, ठीक है, ये समझ में आपको, और आपको ही गाली देगी कि आपने सब क्रिएट किया, ठीक है, क्योंकि आप ही तो पढ़े लिखे इंसान हो, हम तो उस जमाने के, आप तो नए जमाने को, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, हम 21 की सदी, हम 20वीं सदी, 20 वर्ष तक पता है, आप 21 वर्ष तक हो, ठीक है, आपकी बात अलग, इधर ध्यान दो, फोकस करो। टू प्रोड्यूस वीडिसाइड हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट, जैसे कि देखो यहाँ पे वीडिसाइड का नाम दिया, कौन सा, ग्लाइको, सॉरी, ग्लाइकोजेनिक
ठीक है जाने दे यार। ग्लाइफोस्फेट कौन सा है? उसके खिलाफ मतलब लड़ने वाला जीन इसके अंदर डालता, किसके अंदर डालता, नॉर्मल प्लांट के अंदर डालता ना। वीडिसाइड स्प्रे करने से क्या हो रहा था, वीड भी मर रहा था और कौन मर रहे थे, नॉर्मल प्लांट मर रहे थे। वीडिसाइड रेजिस्टेंस जीन जाने के बाद सिर्फ कौन मरेगा, वीड, और नॉर्मल प्लांट क्या रहेंगे, जिंदा। अब तो क्लियर है? तो ये एक पॉइंट है, इसमें बहुत बार लोग कि टू प्रोड्यूस वीडिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट, तो लोगों को लगता है कि अपना अपना दिमाग लगाते हैं कि प्लांट होगा उसमें से कुछ केमिकल निकलेंगे और बाकी लोगों को क्या करेंगे, मारेंगे। ऐसा नहीं, इसका मतलब ये क्लियर है सबको? हाँ, अब ये एक चीज याद रखना, आपको पता नहीं हो, यूकेलिप्टस पता है, बहुत वाटर का एब्जॉर्ब करते, पता है? तो आपने देखा होगा गांव के अंदर जो आपका वेल रहता है, वेल के बाजू में यूकेलिप्टस तोड़ डालते, कितने लोग जानते हैं? वीर वीर पता है, वेल मतलब वीर है ना, तो वो वीर के बाजू में अगर यूकेलिप्टस के पेड़ आए तो क्या करते, तोड़ते ना, कितने लोगों ने देखा है? पता नहीं, यूकेलिप्टस देखा है कि नहीं देखा है? घर कितने लोगों के खेत में यूकेलिप्टस है? दिखाऊं, मार खोगे, मार दिखा, 10 बार तो दिखाया था यूकेलिप्टस के। लार्जेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वो, नीलगिरी, नीलगिरी पता है, याद है? बहुत बहुत वाटर अब्सॉर्ब करता है, हद से ज्यादा वाटर अब्सॉर्ब करता है, पता है? तो उस तरीके से कुछ कुछ प्लांट रहते हद से ज्यादा क्या करते, मिनरल अब्सॉर्ब करते हैं। तो अगर हद से ज्यादा मिनरल अब्सॉर्ब करेंगे, मुझे बताओ, बाकी प्लांट को तो जिंदा रखना है, शहर के सारे मिनरल न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएगा, तो अगले 10-12 साल में सॉइल कब हो जाएगी, इनफर्टाइल बने। सेम सोयाबीन, सोयाबीन जो लगाते ना, तो ठीक है, मतलब सोयाबीन बहुत ज्यादा खींच लेता है, एक्सट्रीमली खींच लेता है, तो सॉइल फर्टाइल, सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो सकती है, कम हो सकती है कुछ साल के बाद, अभी नहीं, कुछ साल के बाद उसके दुष्परिणाम फ्यूचर में दिखने लगेंगे, अभी तुरंत दिखेंगे नहीं, बाद में दिखेंगे। सोयाबीन कल्टीवेशन बहुत डेंजरस होता है, ठीक है, इवन, चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि ये फिर से क्रिएटिविटी है कि सर ऐसे ही चिन्ह डालो जिससे कम से कम क्या ले सके, यहाँ क्रिएटिव को स्कोप है, ठीक है, आप जो मन चाहे कर सकते हो, ठीक है, लेकिन बाद में थप्पड़ खाओ, ठीक है। तो इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय द व्हाट, प्लांट, जहां ज्यादा क्रिएटिविटी थी वहां ज्यादा धोखा भी होता है, ठीक है। दिस प्रिवेंट द अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ व्हाट, सॉइल। तो यहाँ देख सकते हो जरूरत कितनी है, 1 माइक्रो कितना ले रहा है, समझ में आ रहा है? तो कुछ प्लांट भी स्वार्थी होते, उसमें स्वार्थी प्लांट ये है, तो उसके अंदर ऐसे जीन डालो, उसके अंदर क्या करना है हमें, 1 mg चाहिए, तो कितना खींचेगा? अगर ये नेचुरल है, ये तो स्वार्थी नहीं है मेरे हिसाब से, ऐसा कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होगा, वो जो कि लोगों को पता नहीं, ठीक है, अब इसके लिए वो चेंज करना है। ये समझ में आया आपको? तो ये लाइन आए तो याद रखना, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस। तो अब इसमें क्या है, एफिशिएंसी बढ़ाना मतलब यहाँ पे अलग मीनिंग लेना, जितना चाहिए उतना लेना, दैट इज मतलब एफिशिएंसी बढ़ाना है। ये कंफ्यूजन हो सकता है, लगेगा नहीं ज्यादा लेगा, ऐसा नहीं, ओके। यहाँ पे देखिए, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, ये तो पढ़ लिया हमने ना, तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट इंक्रीज द यील्ड, रिड्यूसेस द रिलेशंस, मतलब क्या, डिपेंडेंस ऑन व्हाट, केमिकल फर्टिलाइजर। तो इसमें दो है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट और दूसरे कौन से थे, तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट के अंदर हमने क्या देखा था, बीटी कॉटन देखा था ना, तो इन द प्लांट क्राइजिन डाला था, हाँ, ये समझ में आया, दैट इज ऑल। तो ये तो सारा नोट्स पढ़ लिया होगा आपने, इस तरीके से एटलीस्ट ये कवर हो गया, क्योंकि रह जाता, क्योंकि इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, हाईलाइटिंग पॉइंट कई बार समझ में नहीं आती, तो उसका भी तो एग्जांपल मैंने समझा दिया। ये है एनसीईआरटी पढ़ना है, छोड़ो नहीं लग रहा आप लोग, कहाँ है एप्लीकेशन का पीडीएफ, ये है क्या, ये जरा ध्यान दीजिए, देख लेते हैं।
इसकी तरफ बाद में आएंगे, पहले इसको देख लेते हैं, ये वाला जो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन वर्ड एग्रीकल्चर के अंदर देख लेते, ध्यान देना अभी भी हुआ ना इसलिए सुनो. लेट अस टेक अ लुक द थ्री ऑप्शंस दैट कैन बी थ्रू इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन. तो तीन तरीके से हम फूड प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, एक तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, दूसरा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एज वेल एज वर्ड. तीनों तरीके सही है, लेकिन मतलब मजबूरी के कारण आप बोल दो कि ये ज्यादा सही है. चैप्टर पढ़े ना तो मजबूरी हमारे, ठीक है, ज्यादा सही कौन सा है अभी, मजबूरी के नाम मजबूरी क्या बोलना है, ये ज्यादा क्या है सही है. देखिए कुछ चीजें जबरदस्ती होती है, सहन करना पड़ता है, देखिए हम अल्टीमेटली हमें नीट देना है, ठीक है, उसके बाद जो हंगामा करना है करो. द ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सीड इन अ ट्रिपलिंग, ग्रीन रिवॉल्यूशन पता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन किस साइंटिस्ट ने किया था, एमएस इंडियन विदेशी, अरे विदेशी कौन था पूछ रहा हूं, नहीं क्या नॉर्मल बोरलॉग, कौन है नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग पता है. व्हाइट रिवॉल्यूशन किसने किया था, डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन कुरियन, क्या कौन सा कौन सा ट्रस्ट खोला था उन्होंने, आनंद ट्रस्ट. अमूल पता है, अमूल 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 जो दूध डेयरी है वर्गीस कुरियन के ही देन है. कितने लोग जानते हैं अमूल, अमूल का दूध पता नहीं. तो अमूल जो इंडस्ट्री है, अमूल इंडस्ट्री इज नॉट, कोई ऐसा ये नहीं, वो एक मतलब ट्रस्ट है एक बहुत बड़ा, उसका वो प्रोडक्ट है अमूल, ठीक है, और उसके जो फाउंडर है कौन है, वर्गीस कुरियन. व्हाइट रिवॉल्यूशन क्रिएट किया था, आता है आगे पढ़ेंगे हम. व्हाइट रिवॉल्यूशन पता होना चाहिए, मतलब ये कंसेप्ट तो. और एक रहता है ब्लू रिवॉल्यूशन, मत्स्य उत्पादन, जानते हैं मत्स्य उत्पादन, वो पढ़ेंगे आएगा जब दिवाली के बाद पढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन चैप्टर आपका, बाद में पढ़ेंगे प्लीज ध्यान दीजिए जब आएगा तब. तो हम बात कर रहे थे किसके, हाँ देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर जो क्या किया था उन्होंने, हाइब्रिड वैरायटी क्रिएट किए थे बाय मैन्युअली हाइब्रिड वैरायटी किए थे, मतलब हाइब्रिड मतलब पॉलिनेशन पता है आपको, पॉलिनेशन से उसमें डिजायरेबल एज वेल एज व्हाट अनडिजायरेबल ये दोनों मिक्स होके आते थे. तो वैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन किया था, द ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेस इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई बट इट वाज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन. उन्होंने कर तो दिया लेकिन एक चीज बढ़ गई, लेकिन एक दूसरी चीज भी उसी तेजी से क्या हो रही थी, बढ़ रही थी. वो दूसरी चीज क्या थी, समझ में आ रहा है, तो खाना कम और लोग क्या हो गए थे, ज्यादा हो गए थे. तो इस समय में इंक्रीज द यील्ड्स हैव पार्टली बीन ड्यू टू द यूज ऑफ इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटी. तो उन्होंने राइस से कुछ नए नए वैरायटी बनाए थे स्वामीनाथन ने, तो उसके कारण अच्छा खासा उत्पादन बढ़ गया था, परंतु लोक संख्या ज्यादा होने के कारण उतना मतलब खास नहीं हो पा रहा था, मतलब मैनेज. बट मेनली ड्यू टू द यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्ट. तो कोई क्या बोल रहा है, उस समय उन्होंने अच्छे वैरायटी बनाए थे, लेकिन उत्पादन बढ़ने का कारण एक भी था कि लोग ज्यादा से ज्यादा क्या यूज कर रहे थे, केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे थे एज वेल एज क्या पेस्टिसाइड यूज कर रहे थे, इसलिए उत्पादन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था. जबकि पहले समझ गए ना, पहले ये सब स्प्रे नहीं करते थे, डिसीज होने के कारण उत्पादन क्या हो रहा था, घट रहा था. जैसे आज हम जानते हैं कि ये सब यूज करने के कारण, अलग अलग वैरायटी यूज करने के कारण हम बहुत अग्रेसर है मतलब फूड प्रोडक्शन में. जैसे कि पंजाब जानते, पंजाब में सबसे ज्यादा किसका, गेहूं का उत्पादन होता है, आएगा जब चैप्टर तब पढ़ेंगे, घुसेंगे पंजाब के अंदर, फिर उस समय अलग मजा आएगा, बाद में देखेंगे. सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, पंजाब में. तो अलग अलग वैरायटी है, क्या नाम उसका, पूसा स्वर्णिम है ना, पूसा स्वर्णिम नाम की वैरायटी, अलग अलग वैरायटी तब पढ़ेंगे हम, मतलब अलग अलग वैरायटीज के नाम होते हैं. एक बार मैंने दिखाए थे, शायद नहीं दिखाए थे, पढ़ेंगे पढ़ेंगे रहते हैं. राइस की वैरायटी बताए थे मैंने एक बार, आपको याद है, बासमती नहीं रहे, बासमती मॉडिफाइड नहीं, मतलब नए बनाए वाले,
ब्रांड का नाम है वो। ठीक है छोड़िए, ध्यान दीजिए, इधर सुनिए, सुन लो यहाँ पे। तो ये पुराने जमाने में, सॉरी, जब स्वामीनाथन के जमाने में क्या हो रहा था कि मतलब एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर क्या हो गया था, बढ़ गया था, इसके कारण उत्पादन बढ़ गया था। परंतु हाउएवर फॉर फार्मर्स इन डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल्स ऑफ्टन एक्सपेंसिव, टू एक्सपेंसिव, महंगे रहते ना। मैंने बोला था कि कई बार ऐसा होता कि जितना पेस्टिसाइड खर्चा किया, जितना हो गया इज इक्वल टू उतना उत्पादन, जैसे इसके केस में हो रहा था, कॉटन के केस में। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा खेती कॉटन की होती थी, पता है? विदर्भ, पता है विदर्भ? पता नहीं, पता है? जानते नहीं? जानते हैं कहाँ आता विदर्भ? उधर, इधर, इधर कहाँ है विदर्भ? हाँ, मराठवाड़ा में विदर्भ आता है। महात्मा देखो, मराठवाड़ा में क्या आता है? विदर्भ आता है। हाँ, वेरी नाइस। जीने का भय था क्या आप लोग का? ठीक है, जान दीजिए। तो एक्चुअली विदर्भ में ब्लैक सॉइल बहुत ज्यादा है, राइट? तो ब्लैक सॉइल ज्यादा होने के कारण कॉटन की खेती बहुत ज्यादा होती थी, बहुत। लेकिन उसके ऊपर जो कॉटन बॉल बॉम गिरता था तो पूरा डिस्ट्रक्शन होता था और बहुत सारा नुकसान होता था। उधर उसको ये बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड बोलते हैं कॉटन को, व्हाइट गोल्ड, अंडर सोना। पता नहीं, पता है? नहीं पता होगा आप लोगों को। बहुत अभी अभी उसका यील्ड बढ़ गया फिर से, मतलब बहुत ज्यादा उत्पादन। मतलब आपको जाओगे तो पूरा ऐसा लगेगा कि मतलब पूरा का पूरा हजारों एकड़ की खेती पूरी व्हाइट दिखेगी आपको। ऐसा लगेगा कॉटन भी छाया पूरा खेती के ऊपर, ऐसा पूरा व्हाइट 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 व्हाइट। खासकर ये सीजन के बाद, ये थोड़ा आपका विंटर सीजन खत्म होता है और समर जब चालू होता है ना, उस समय दिवाली के समय में अच्छा खासा दिखता है। और विंटर सीजन जैसे खत्म होता है, पूरा पत्ते झड़ जाते हैं, खाली पूरा का पूरा ऐसा व्हाइट कलर का कॉटन दिख रहा है। कुछ लोगों ने अनुभव किया होगा एक दो एकड़ का, हमारे इधर आओगे तो हजारों हेक्टेयर मिलता है आपको, पूरा ऐसा मतलब खेती दिखेगा। ठीक है, ठीक है, नहीं है आने की जरूरत नहीं यहाँ। ये जब कहने का वो नहीं बोल रहा था मैं, आप कुछ अलग समझ लिया। ये बोल रहा था कि हम पढ़ेंगे चैप्टर, ये तब मैं दिखाऊंगा आपको, यहीं से दिखाऊंगा। आप कुछ अलग समझ लिया यार, ठीक है, आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऑलवेज वेलकम है। मेरा अगर नजदीक होता खेत तो आपको दिखा देता सारा चीज। अभी क्या है, सारा लगभग सारे प्लांट मिलते तो, बट अभी ठीक है, बहुत दूर है तो क्या कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है, नहीं नहीं जा पाओगे आप। 300 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है। हाँ ठीक है, कम टू द पॉइंट, यहाँ पे आइए। चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, नीट क्रैक करना है, ठीक है? चुपचाप बैठो, आपको बस, अब कोई बोलेगा नहीं, अब कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? हाउ वेयर द फार्मर्स इन डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल्स आर ऑफ्टन व्हाट? एक्सपेंसिव एंड फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विथ एग्जिस्टिंग वैरायटीज आर नॉट पॉसिबल, मतलब बाय यूजिंग द कन्वेंशनल ब्रीडिंग। समझ में आ रहा है? व्हाट इज कन्वेंशनल ब्रीडिंग? पुराने जमाने में क्या करते थे, वही बता रहा हूँ मैं, कि इसका पोलन ग्रेन ले लिया, इसके ऊपर डाल दिया, तो उस केस में क्या होता है, डिजायरेबल एज वेल एज अनडिजायरेबल, दोनों आ रहे थे ना। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि उस समय के जो तथाकथित वैरायटीज थे उनको लेके उत्पादन बढ़ सकता था क्या? नहीं बढ़ सकता था। और कन्वेंशनल ब्रीडिंग अगर करें, कन्वेंशनल ब्रीडिंग का मतलब समझ पा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, जो हमने किया था ना इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, इमेस्कुलेशन किया था, पोलन ग्रेन डाले थे, याद है ना? तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग है, उसमें कुछ डीएनए के साथ खेल रहे क्या? उस केस में क्या होता है, अच्छे गुण भी आते हैं और खराब गुण भी आते हैं, मतलब डिजायरेबल कैरेक्टर भी आएंगे। और अब तो समझ में आ रहा है? सो एग्रोकेमिकल्स आर ऑफ्टन टू एक्सपेंसिव एंड फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विद एग्जिस्टिंग वैरायटी आर नॉट पॉसिबल यूजिंग द कन्वेंशनल। तो इसलिए समय की डिमांड थी, इज देयर एनी अल्टरनेटिव पाथ दैट अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक जेनेटिक्स कैन शो दैट द फार्मर्स में ऑप्टेन व्हाट मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम देयर फील्ड। कविता है, याद रखना। समझे नहीं समझे? फार्मर्स में ऑप्टेन मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम देयर व्हाट फील्ड। तो कोई ऐसा अलग से तरीका है क्या जेनेटिक्स के अंदर, तो है या नहीं है? हाँ, इज देयर अ वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर कम कर सके
साथ साथ में केमिकल समझ में आ रहे हैं, सो दैट देयर हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट आर व्हाट रिड्यूस, इनडायरेक्टली बढ़ चुके हैं ठीक है, बट यहाँ यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज अ व्हाट सॉल्यूशन, समझ में आए। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे इसके ऊपर फोकस करेंगे, इन अ प्लांट फंगा सॉरी इन प्लांट बैक्टीरिया फंगा एनिमल हुज जीन्स हैव बीन अल्टर्ड बाय द मैनिपुलेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, चेंज करते ना ये तो समझ में आएगा। जीएम प्लांट हैव बीन यूजफुल इन मेनी वेज, तो उसके हमने देखे थे पहला, मेड अ क्रॉप मोर टॉलरेंट टू व्हाट, ये तो समझा था हमने किस तरीके से मतलब उनको बनाया जाता है, रिड्यूस द रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, दो एग्जांपल लिए थे हमने बीटी कॉटन और कौन सा निमेटोड, समझ में आ रहा है इस तरीके से, हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस, इसका एग्जांपल लिया था फ्लेवर स्लेवर टोमेटो, बस ये पता होना चाहिए आपको, एग्जांपल याद रखो टिक नहीं रखो टिक, इनसाइडिंग अंदर दिया नहीं है, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूज बाय द व्हाट, समझ में आ रहा है ये स्टेटमेंट को लेकर बहुत धोखा खाते हैं कि एफिशिएंसी बढ़ाना मतलब क्या करना, जितना जरूरी है और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है तो दिस प्रिवेंट द अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी जल्दी खत्म होने से क्या करता है रोकता है, ये बड़ा मतलब ये स्टेटमेंट बहुत बार लोग को समझ में नहीं आता, आपको समझ में आ गया, और ये वाला जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, एनहांस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड दैट इज द गोल्डन राइस विटामिन ए एनरिच्ड राइस, अब तो क्लियर है समझ में आया, तो ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, सीधा नीट के अंदर सवाल आ सकता है कि इनमें से कितने चीजें हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के द्वारा हम मतलब पा सकते हैं, तो ये सारे के सारे याद रखना, इसमें से सीधा सवाल आ सकता है नीट के अंदर, मतलब सीधी लाइन छाप देंगे, एक वर्ड इधर भी फेंकेंगे उधर फेंकेंगे सीधा छाप देंगे और पूछेंगे, और इसमें धोखा जो लोग अच्छे से नहीं पढ़े हैं वो उनके लिए ऐसा धोखा दे सकते हैं कि ये सब मिटा देंगे, समझे नहीं समझे, ये सब मिटा देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन से स्टेटमेंट कितने स्टेटमेंट करेक्ट है कितने रॉन्ग है, तो उस समय दिक्कत हो सकता है, या फिर ऐसा भी स्टेटमेंट डाल सकते, ये वाला स्टेटमेंट लोग रॉन्ग, समझे नहीं समझे, मतलब स्टेटमेंट दिक्कत हो सकती है, तो पता ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है, तो रेडी रहना इसके लिए अगर आएगा तो, एक क्वेश्चन बनता है इससे ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है, अब इसकी तरफ आते हैं, ये वाला पैराग्राफ की तरफ आते हैं, देखो ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं देखते हैं, सो बायोटेक्नोलॉजी एज यू वुड हैव लर्न्ड फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर एसेंशियली डील विद इंडस्ट्रियल स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, क्योंकि लास्ट चैप्टर में ज्यादातर हमने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के बारे में सोचा था याद है आपको, एंड बायोलॉजिकल यूजिंग ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स फंगाइ प्लांट एंड व्हाट एनिमल, द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड द थेरेप्यूटिक्स डायग्नोस्टिक है ना, थेरेप्यूटिक्स समझ में आया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर व्हाट एग्रीकल्चर ब्राइन दिया था ना, एंड प्रोसेस ऑफ फूड है ना, एंड व्हाट बायो रेमेडिएशन, एक मिनट रुको शायद इसके अंदर यहाँ पे तो नहीं है, हाँ यही है ना, एक पॉइंट था यार पता नहीं, बायो रेमेडिएशन के लिए एक पॉइंट दिखा था मैं आपको, शायद मिलेगा आपको यहाँ पे ठीक है, मतलब कई बार क्या होता है आपको मतलब सऊदी अरेबिया से कोई तेल का कंटेनर आता है, मतलब क्रूड ऑयल आता है पता है, पेट्रोल आता नहीं आता है, पेट्रोल जब आता है वहां से तो कई बार क्या होता है गिर जाता है, देखा आपने ऑयल स्पिलिंग होता है, कितने लोग जानते हैं, अरे यार क्या आपको कुछ पता रहता नहीं यार, कैसे सुना होगा ना, तेल वहुनियारे जहाज उड़ ले है ना अरबी समुद्रात, कभी न्यूज तो देखा होगा आपने बचपन में देखा होगा, आजकल बहुत कम होता है पुराने जमाने में, आजकल होता होगा एक आध बार, तो उसमें ऐसा गिर जाता है ना पूरा ऑयल, तो अगर ऐसा ऑयल गिर गया तो क्या होता है वहां का जो ये जो पूरा वहां का जो सजीव सृष्टि है वो क्या हो सकता है खत्म हो सकता नहीं हो सकता है, मतलब वहां पूरा ऐसा अगर पूरा ऑयल का लेयर जमा हो जाएगा तो नीचे ऑक्सीजन नहीं जाएगा, या फिर बहुत सारा मल्टीपल प्रॉब्लम हो सकता है, तो वहां पे क्या करते हैं बैक्टीरिया डालते हैं, देयर आर सम बैक्टीरिया यहाँ पे, वो हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन एग्जांपल यहाँ पे डाला था ठीक है छोड़ो कोई दिक्कत नहीं समझ जाओगे, वहां उन्होंने एक हाँ अभी याद आया एक मॉडिफाइड बैक्टीरिया क्रिएट किया था सबसे लास्ट में होगा मेरे ख्याल से,
हाँ ये रहा बाय रेमेडिसिन, दिख रहा है ये वाला। तो एक हमारे भारतीय साइंटिस्ट थे, पढ़ लीजिए। समझे? तो आर्यन मोहन चक्रवर्ती, क्या नाम था? चक्रवर्ती, ठीक है। चक्रवर्ती ऐसे क्यों बोल रहे हो? चक्रवर्ती बंगाली नाम है, ठीक है, इसलिए चक्रवर्ती बोलते हैं। आनंद मोहन चक्रवर्ती, पता नहीं पता है? ये क्वेश्चन नहीं आएगा, प्लीज ध्यान दो, सुनो बे, ये क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन ये वर्ड जरूर आएगा। बाय रेमेडिशन, अब समझ में आ गया? उन्होंने क्या किया था? सूडोमोनास, पढ़िए। हाँ इसलिए मैं चुपचाप बैठा, आप लोग कुछ प्रोनाउंस करोगे, ठीक है, आप ही प्रोनाउंस करो। सूडोमोनास ये नाम का बैक्टीरिया क्रिएट किया था, समझ में आ रहा है? तो ये जो है, तो ये बैक्टीरिया के अंदर उन्होंने क्या किया था, ये समझ जाओगे ना, ये प्लाज्मिड को मॉडिफाई करके डाला था, इसके अंदर एक्स्ट्रा जीन भी डाले थे, और ये ऑयल खाने वाला बैक्टीरिया था, ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, बग डजंट मिस बैक्टीरिया, बग का मतलब कीड़ा नहीं, ठीक है, नाम के वास्ते बग है, लेकिन ये कौन है, समझ में आ गया? हाँ तो ये समझ में आया नहीं? अरे पानी, तेल के ऊपर पानी गिरता है ना, जिंदा आप लोग, पानी के ऊपर क्या गिरता है, तेल, उसमें बैक्टीरिया डालेंगे, डालेंगे वो खा लेगा। तो बायोरेमेडिएशन इज द ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सुनो, दैट एम्प्लॉयज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक माइक्रोब्स, कभी कभी बैक्टीरिया, रिमूवल ऑफ पोल्यूटेंट एंड व्हाट, टॉक्सिन फ्रॉम द सॉइल, वाटर एंड व्हाट, समझ में आ गया? तो ऐसे बैक्टीरिया यूज करते हैं जिसके अंदर अगर कोई खराब पानी उसमें डाल के उसमें से टॉक्सिक सब्सटेंस निकालने के लिए यूज करते, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बायोरेमेडिएशन। वो जो फोम था, फोम याद आ रहा है? फोम क्या है, फ्रेंड्स ऑफ अर्गाटा। हाँ तो उन्होंने जो बैक्टीरिया यूज किए थे, दैट मैक्सिमम बैक्टीरिया एब्जॉर्बिंग व्हाट, हेवी मेटल एब्जॉर्ब कर रहे थे ना, तो वो बैक्टीरिया भी कर रहे थे काम, किसका, ठीक है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम के अंदर आया तो उसको डिक्टेट कर लेना कि बायो रेमेडिएशन क्या होता है, पता है, अब उसके अनुसार कुछ भी सवाल आए तो उसको ठीक से सवाल कर सको, ठीक है, नीट के अंदर बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर कभी आज तक सवाल नहीं आया जो कि पता होना चाहिए, ये क्लियर है? अच्छा ये पढ़ना खत्म हो, चल रहा है अभी भी, चल रहा है क्या, खत्म हो गया ना, चल ही रहा है क्या, अच्छा इधर ही है, तो आप समझ में आ गए? तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी, कैन यूज इन व्हाट, इज इट क्लियर? साथ साथ में वेस्ट ट्रीटमेंट, वेस्ट ट्रीटमेंट हम माइक्रोसिविन वेलफेयर के अंदर पढ़ेंगे, या फिर यहाँ भी पढ़ सकते हैं कि बड़े बड़े जो प्लांट रहते, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बोला था ना, उसके अंदर वेस्ट वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड एनर्जी प्रोडक्शन, बायोगैस प्लांट, इस तरीके से थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया आर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या है, तीन क्रिटिकल रिसर्च एरिया कौन कौन से देख लेते हैं। पहला, प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजली माइक्रोस और व्हाट, प्योर एंजाइम, इसको समझाता हूँ, थोड़ा सा इंडस्ट्रियल लेवल की बातें कर रहे हैं, तो इसमें कुछ नहीं है, आप ये मत समझे कि कोई रिएक्शन करनी है, तो कोई रिएक्शन करने के लिए दो चीज इस्तेमाल कर सकते, आइदर डायरेक्टली बैक्टीरिया यूज करो, नहीं तो बैक्टीरिया यूज करने का पर्पज क्या है, बैक्टीरिया कोई ना कोई एंजाइम बना रहा होगा जिसके द्वारा रिएक्शन हो रही है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, एंजाइम भी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आपकी इच्छा, आइदर यू कैन यूज बैक्टीरिया नहीं तो क्या एंजाइम, मैं कहता हूँ ज्यादा अच्छा बैक्टीरिया यूज करो, क्यों, क्योंकि एंजाइम हर बार खरीदना पड़ता है, खर्चा होगा नहीं होगा, बैक्टीरिया तो फ्री में बढ़ता है, समझ नहीं समझे? तो दोनों डिपेंड ऑन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री बहुत रिच है तो डायरेक्टली क्या मंगवाएंगे, लो एंजाइम, कौन प्रोडक्शन करते बैठेगा, कौन कंटेंट बढ़ाएगा, डाल दो एंजाइम, तुरंत पैसा कमाओ कम से कम टाइम में, समझ में आ रहा है? तो ये रहता है, तो प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली माइक्रोब्स और व्हाट, हाँ मतलब माइक्रोब्स, बैक्टीरिया आल्सो एक्ट एज व्हाट, कैटलिस्ट, हाउ इट बिकम कैटलिस्ट, कैसे हो सकता है, जैसे दूध से दही बनाना, तो एक रिएक्शन है ना उस समय, लैक्टोबैसिलस एक्ट एज व्हाट, कैटलिस्ट, कितना सोच पा रहे हैं, इस तरीके से, तो ये चीज हम बोल सकते हैं, या इधर नाउ टिल नाउ आई डोंट नो कि कैसे कि मतलब दूध से कर्ड बनाने की एंजाइमेटिक प्रोसेस डेवलप हो चुकी है, नहीं हो चुकी, क्रिएटिविटी का स्कोप है, ठीक है, आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वैसा चीज मत खिलाओ खिलाओ लोगों को, ठीक है, जो नेचुरल हो, नेचुरल है, आजकल तो सोयाबीन से भी बनता है कर्ड, पता है आपको, सोयाबीन मिल्क से कर्ड बनता है, पता है आपको, नहीं पता आपको, सब बनता है, सोयाबीन मिल्क आता है, ये पता नहीं आपको,
सोयाबीन मिल्क से कर्ड बनता है, सोयाबीन मिल्क से पनीर बनता है, सोयाबीन मिल्क से चीज बन सकता है, सोयाबीन मिल्क से बटर। हाँ हाँ अरे सब बन सकता है। सोयाबीन मिल्क सब बनता है। क्या होता है, पीते हैं उसको क्या, कैसे बनता है? सोयाबीन लो, कुकर के अंदर डालो, उसको 10 सीटी लगाओ, पूरा उसका पेस्ट बन जाता है। पेस्ट बनेगा उसको, उसको मिक्सर के अंदर ग्राइंड करो, वो भोग जाए, वो उसको रख दो तो सोयाबीन मिल्क, दैट इज सोयाबीन मिल्क। और लोगों को पिलाते वो लोग, सोयाबीन मिल्क आता है, लोग पीते हैं उसको शौक से। ठीक है, सोया मिल्क, सोया मिल्क, सोया। दे आर नॉट यूजिंग कंप्लीट वर्ड, कंप्लीट वर्ड यूज नहीं करते, सोया वर्ड यूज करते। सोया वर्ड बिलोंग्स टू व्हाट? सोयाबीन। अरे सोया कॉस्मेटिक के अंदर रहता ना, सोया प्रोटीन रहता ना, वो सोयाबीन प्रोटीन बोलेंगे तो फिर कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए क्या बोलते हैं? सोया। सोया मिल्क पता नहीं, पता है कुछ लोग समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है चल मैं सीरियस, समझे नहीं समझे? सोया सॉस पता है, दैट इज आल्सो नाम के वास्ते, सोयाबीन से ही बनता है वो। हाँ बस बस ठीक है। क्या रहता है वो, सोफिस्टिकेटेड रहता है, पैकेजिंग रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ नहीं है वो, नॉर्मल रहता है। आइए आगे पढ़ते हैं। हाँ तो ये कहाँ से कहाँ हम कर्ड्स, कर्ड की तरफ आए थे यहाँ से। नाउ क्रिएटिंग द ऑप्टिमम कंडीशन थ्रू द इंजीनियरिंग फॉर कैटलिस्ट टू एक्ट, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे दिमाग के अंदर फिट हो चुका है सर, बायोटेक्नोलॉजी मतलब खेलना, किसके साथ? डीएनए के साथ। टेक्नोलॉजी के द्वारा बैक्टीरिया को उगाना, और वो जो टेक्नोलॉजी वो भी बायोटेक्नोलॉजी। क्या क्या बोला? वो टेक्नोलॉजी भी क्या है, समझ में आ रहा है? आपने अगर एक ऐसा बायो रिएक्टर बना दिया जिसके अंदर आप ह्यूमन सेल को कम से कम समय में ग्रो कर सकते हो, वो बायो रिएक्टर इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? आप उसको मैकेनिकल बोल सकते हो क्या, इंजीनियरिंग का पार्ट बोल सकते हो क्या? है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए चैप्टर पढ़ते समय क्या बोलेंगे उसको? अब तो समझ में आया। तो यहाँ पे क्रिएटिंग द ऑप्टिमम कंडीशन थ्रू द इंजीनियरिंग फॉर व्हाट? कैटलिस्ट टू एक्ट, या फिर एंजाइम एक्ट करने के लिए, या फिर बैक्टीरिया एक्ट वर्क करने के लिए हमने एक ऐसा मशीन डेवलप किया जिसके अंदर वो अच्छे से बैक्टीरिया ग्रो कर सके। वो मशीन डेवलप करना इज ऑल्सो व्हाट? बायो टेक्नोलॉजी। क्लियर है? और ये सबसे खतरनाक, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्यूरिफाई द प्रोटीन एज वेल एज व्हाट? आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा खर्चा किसको आता है? डाउनस्ट्रीम को, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, फिर टेस्टिंग, प्रिजर्वेटिव, फिर पैकेजिंग। उधर तक नहीं जाना है, ठीक है, मार्केटिंग तक जाना है क्या? तो सबसे ज्यादा खर्चा उधर आता नहीं आता है? ऑफकोर्स मार्केटिंग के लिए भी खर्चा आता है। आपने अगर दवा बना दी और आप ऐसे कोई भी आके लेके जा सकता है क्या? इसको पहले एडवर्टाइज करना पड़ता है। क्रोसिन क्रोसिन क्रोसिन, कितने एडवर्टाइज पहले आते थे ना, क्रोसिन के एडवर्टाइज डाल डाल के आपको हिप्नोटाइज कर दिया पूरा का पूरा। और हिप्नोटाइज करके आप गोली कौन सी मांगते हैं आजकल? क्रोसिन की, उसका वो हिप्नोटाइज करते हैं, मतलब वो एक चीज को 10 बार बोलते, बम्बार्ड करते हैं, फिर हमें लगता है कि हाँ ये चीज क्या है, सही है। किसी चीज को 100 बार बोलने के बाद लगता है वो चीज सही है। इस तरीके से एडवर्टाइज बार बार डालते, बार बार डालते, उसको ब्रेन हैमरिंग करते उस व्यक्ति का, और उसके दिमाग के अंदर इंजेक्ट करता है एडवर्टाइज की, हाँ दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन यूज। बंदा और उसको इसके दिमाग के अंदर भी फिट हो गया ना, हो जाएगा क्रोसीन, है ना। आई एम नॉट, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजी होती है, वही मांगते ना। वहां जाएगा तो क्या बोलेगा, कुछ दोस्त दवा का तो नाम नहीं आएगा, एक ही फिट गया ना बार बार, तो उसी को मांगेगा ऐसा। तो दिस इज अ वेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स आर सिंपली फॉर व्हाट? हिप्नोटाइज। क्या करते हो? दे आर द बेस्ट हिप्नोटाइजिंग सोर्स, है ना। हम भी देखते हैं, हाँ करो करो, वही वही खाते हैं ना, दूसरा कोई चीज खाते का नहीं, जो हिप्नोटाइज किया है वही खाते हैं। अच्छा है बुरा है बाद में पता चलता है, ये गलत है, फिर दर्द होता है ना, फिर भी लोग खाते। से मैगी, सी सी द मेंटेलिटी पीपल, समझ में आ रहा है? हमारे 1997 में जब एडवर्टाइज आती थी, सुनो उस जमाने जब एडवर्टाइज आते थे, 1997-99 में एडवर्टाइज आते थे, तो उस समय हमें लगता था कि क्या है ये, समझ में आ रहा है, ये कैसा चीज है, हम
हमारे घर में सेवाई होती है ना, वो अच्छा है। ये कुछ तो ऐसा गड़बड़ गड़ खा रहे, ऐसा ऐसा गोल गोल कुछ तो खा रहे है, उसको निगल रहे, ये कर रहे बोले। क्या मतलब मानसिकता दर्शाते कुछ कुछ लोग अपने, है ना, समझ में आ रहा है। और ये बहुत असभ्यता का वर्तन है कि पब्लिकली दर्शाए, है ना। वो चाहते हैं कि पब्लिक मेरे को पागल समझे, है ना, मैं येड़ा हूं, है ना, पागल हो देखो, है ना। फॉर द सीक ऑफ चीप लाफ्टर दे आर इंसल्टिंग देयर देमसेल्फ, है ना। क्या फायदा है, एटलीस्ट अब उसकी तरफ मत देखो, एटलीस्ट मेरे क्लास के अंदर मत क्या करो, ठीक है, अननेसेसरीली आपका उड़ जाएगा जितना भी है, ठीक है। ध्यान दीजिए, बच के रहा करो यार, ऐसा मत करो, ठीक है। आपको पता है तो फिर ऐसा क्यों करते हो, पता है ना। इधर ध्यान दे, ओ कहाँ थे, ध्यान दो, हाँ कहाँ थे, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसर वेरी व्हाट, वेरी कॉस्टली, बहुत महंगे रहते ना, तो इसलिए डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस टेक्नोलॉजीज टू प्यूरिफाई द प्रोटीन एज वेल एज व्हाट, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कई बार क्या होता है, जीन तो डाल देते हैं, लेकिन जीन डालने के बाद उसको वहां से आइसोलेट कैसे करना है, इट बिकम वेरी, प्रोडक्ट को आइसोलेट करना बहुत क्या होता है, बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है। मतलब जैसे कि देखो, एस्परजिलस नाइगर पता है, कितना लोग जानते हैं, एस्परजिलस नाइगर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, याद रखो, नीट के अंदर आता है, आया था इस, अच्छा बोर्ड एग्जाम में आया था, आज में आया था, आज के चैप्टर माइक्रोसिन फीमेल फिर था क्या। आप लिखिए, लिख के आए हो ना, एमसीक्यूज सब बहुत लिखा है, ठीक है। हाँ तो हाँ, एस्परजिलस नाइगर फंगस है ना, उस फंगस में से सेपरेट करना है सिट्रिक एसिड, मतलब इंटरनली प्रोड्यूस होता है सिट्रिक एसिड, बाहर निकलता है, उसमें से सेपरेट करना, प्योरीफाई करना, कितना मतलब ये हो सकता है, क्योंकि एस्परजिलस नाइगर का दूसरा टॉक्सिन भी तो हो सकता है, उस टॉक्सिन में से सेपरेट करना होता है, दैट डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, उसे क्या बोलते हैं, बहुत लंबा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये खत्म कर दिया है, तो कल आना, कल पता चलेगा शेड्यूल आपको, क्लासेस कब होगी, क्या होने, ठीक है। कल दो चैप्टर रहेंगे आपके लिए, कौन कौन से, एंड अच्छा दोनों रहेंगे ना, एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स ज्यादा मत पढ़ो, नोट्स पढ़ने से टाइम पास हो जाएगा, बहुत लंबा है, बेस्ट है क्या पढ़ो आप, एनसीईआरटी, समझ में आ जाएगा, उसी से क्वेश्चन आएंगे आप, ठीक है। विल स्टॉप हियर।